आप लोगों के ऊपर एक आरोप लग रहा है कि इनेलो वोट कटवा है। हम वोट कटवे कुकर हो गए, हमारी तो बहुत पुरानी पार्टी से, कोई नया इलेक्शन को नहीं, नया सूट सिमाए को नहीं। अरे भाई बे आए हो, हम तो कदे तो लड़ते आए हैं। 2024 के चुनाव परिणाम में इनेलो के साथ आखिरकार इतनी भूंडी कैसे बनी? नारायण में गौतम का बूथ देख लो, जो विधायक हैं मौजूदा उनका बूथ से भी हार रहे हैं। आप कैप्टन अभिमन्यु का देख लो, आप मुख्यमंत्री सैनी का बूथ देख लो, आप हमारा जो गृह राज्य मंत्री था अनूप का बूथ देख लो, तो लोगों ने किसी की नहीं सुनी। आपके लोग आपको ही छोड़ के चले गए और बात करते हैं आप बड़ी बड़ी। आपने डंगोसराई खेती सुनी है? डंगोसराई खेती कर लेते, वो उसका बहुत मांग लेता, एक वो बहुत मांग लेता, और आटा साटा ब्याह सुनिया वो उसको दे दे, छोरी रो उसको दे दे, और धनुआ काम चल से। या तो आटा साटा की खेती डंगोसरा का ब्याह था भाई, उसने तो उसकी मर्जी का दे दिया। रोहतक के उम्मीदवार जैसे हुड्डा साहब का अरविंद शर्मा, और इन इनकी मर्जी का दे दिया, जो कमजोर था कमजोर था। हमारा वोट तो तैयार है, को गेड़निया तो वो खागड़ है, इसने तो गेड़निया है, वो नाटा है, मैं को नहीं गेड़ता। सरकार पढ़ने तैयार है, MLA गिड़ने तैयार है, जजपाले भी तैयार बैठे हैं, आजाद भी तैयार बैठे हैं, गिड़ता क्या को नहीं। उस पर पूछो ना यह बात। ईब है छोटी कबड्डी, छोटी कबड्डी में सबसे बड़ा खिलाड़ी है अभय चौटाला, और सारे इसका गला लायक जो, और पुरानी पार्टी ने मजबूत कर लियो, अपने घर में अपनी इज्जत है। आप हमेशा दबी जुबान में कहते हैं कि एक षड्यंत्र के तहत इनेलो को बाहर रखा गया, किसने षड्यंत्र किया, क्यों नहीं आप खुल के बोलते? कांग्रेस का और कुछ नहीं, ये तो बिगाड़नी घोड़ी में सवार हो गए, जीत गए। पूरा 85,000 वोट में 85,000 जो कांग्रेस का पड़ रहे हैं, उन्होंने तो 55,000 तो लोग दिलगाए वोट से, 10,000 ही कैप्टन साहब के खिसक गए, खिसका दिए खिसक गए, वो भी उनमें भी भुगतना पड़ेगा इब। और 10,000 खिसक गए जो वर्तमान में भाई MLA है गौतम साहब के। क्या ये मोहर बिंदास हरियाणा पर लगा दें कि अगला चुनाव उमेद लोहान नारनौन से लड़ने जा रहे हैं? फिर आप जींद में जाओगे, हमारी कोशिश रहेगी उछाणा से अभय सिंह चौटाला लड़ें। अक्षेत्रीय दल को खत्म करना BJP से भी ज़्यादा कोई साजिश है तो इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की है। शैलजा आज जिस तरह लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, हुड्डा साहब के सामने और तो कोई लड़ नहीं रहा, जब हुड्डा साहब की मानना तो सबसे पहला शैलजा ना रहा। और ये तो दस्तूर है राजनीति का, जो दिन में राजनीति है वो रात ने को नहीं होती, और रात ने राजनीति का इस वोटर ने वर्कर ने वेरा पटे नहीं रात वाली का, तो बूथ पर ना कोई एजेंट बने ना कोई लड़ाई लड़े। अरे भाई एजेंट यू बता दिया, कार्यकर्ता सैकड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे तो 63% पोलिंग ओवर गए, जो कैप्टन साहब के आदमी थे पूरे हल्के में, वो कांग्रेस के वर्कर से भी ज़्यादा काम कर रहे थे। पता नहीं वो उनके कहने से कर रहे थे या फिर मन ने जो बात बताई वह किसी की मानना ही कौन थे, या भी उसके बाद जी। आज बिंदास हरियाणा के साथ चर्चा करने के लिए इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेश सिंह लोहान हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2024 के चुनाव परिणाम के बाद अब इनेलो की क्या गतिविधियां रहेगी, किस प्रकार से वो जनता के बीच में जाकर लोगों को रिझाने की कोशिश करेंगे। उमेश जी स्वागत आपका बिंदास हरियाणा। धन्यवाद जी, धन्यवाद अजय भाई, आपके भी सारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, और आपके भी जो मुद्दे रहते हैं किसान के मजदूर के पूरे प्रदेश में जिस तरह से आप उठाते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई जी। उमेश जी बिल्कुल पहला और सीधा सवाल, 2024 के चुनाव परिणाम में इनेलो के साथ आखिरकार इतनी भूंडी कैसे बनी? इनेलो के साथ आप ये भी मान के चलो कि ये जो लड़ाई थी जी, ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं थी, कोई इनेलो जजपा BJP की लड़ाई भी नहीं थी जी, ये किसान की दलित की मजदूर की अल्पसंख्यक की लड़ाई थी, जो पार्टी लाइन से ऊपर उठ के किसान ने जोरदार तरीके से लड़ी, गल्ला मजदूर मिल लिया, गल्ला मारे अल्पसंख्यक भाई लड़ लिए, उन्होंने ये देखा कि वह राष्ट्रीय सत्र पर इनेलो का ना तो कोई प्रधानमंत्री का चेहरा जी, ना कोई घोषणा पत्र जी, ना इनका वोट दें एक आप उस लाइन में जा पा रहे जहाँ से मोदी और भाजपा को हराया जा सके जी। तो उन्होंने हमारे को ये कहा जहाँ भी गए भाई अभय सिंह चौटाला बढ़िया नेता है, हम इसने वोट दे देंगे विधानसभा में जी, ये बता में हमने छेड़ो ना जी, और किसान और मजदूर किसी भी पार्टी का था जी, उनने सारा ने लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस पार्टी का इस तक कोई लेना देना नहीं। आप देखोगे
नारनौंद में गौतम का बूथ देख लो, जो विधायक हैं मौजूदा उनका बूथ से भी हार रहे हैं। आप कैप्टन अभिमन्यु का देख लो, आप मुख्यमंत्री सैनी का बूथ देख लो, आप हमारा जो गृह राज्य मंत्री था अनूप का बूथ देख लो। तो लोगों ने किसी की नहीं सुनी। जो लोग रहना चाहते थे इसको, मोदी को और इसको सरकार से बाहर करना चाहते थे, उनने सारे ने पार्टी लाइन तो छोड़ दी। उन्होंने कहा भाई हमने लड़ने दो, इनका विपक्ष है तो बस का कि मैं है नहीं। 10 साल हो गया कांग्रेस तमाशा देखने लायक रही है। बस एक बात रही कि इंडिया का जो एक ब्लॉक बनाया, गठबंधन बनाया, उसके संस्थापक लोगों में से चौटाला साहब थे। हमारे को एक साजिश के तहत बाहर रखने का काम किया गया। यदि हम भी इसके अंदर होते तो न सिर्फ इनेलो उसकी दी हुई सीटें जीतती, हरियाणा प्रदेश में इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीट जीतने का काम करता है। ये बात आप तथ्यों के आधार से मेरे से पूछो और किसी भी आम आदमी ने पूछोगे वो बता देगा। उमेश जी, आप हमेशा दबी जुबान में कहते हैं कि एक षड्यंत्र के तहत इनेलो को बाहर रखा गया। किसने षड्यंत्र किया, क्यों नहीं आप खुल के बोलते हैं? कांग्रेस के जो नेता हैं उन लोगों ने किया। कौन से नेता हैं वो? सारे शामिल हैं। जब निर्णय हो गया तो कांग्रेस हाईकमान से लेकर स्टेट वाले सारे शामिल हैं। किसी एक को दोष कैसे दे सका, ये तो लोग अपना अंदाजा लगा सके हैं। हम तो पार्टी को ही दोष देंगे। जी, आप पार्टी को दोष देंगे। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित है इस चुनाव परिणाम के बाद। इनेलो को क्या लगता है कि अब आने वाले समय में वो एक बार फिर वापसी कर पाएगी, या फिर जनता इसी प्रकार से विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की लहर बनाएगी? अरे भाई, जेएनयू बता दिया, कार्यकर्ता सैकड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे तो 63% पोलिंग ओवर गए। जब खिलाफ में एजेंटे नहीं, कोई कैप्टन अभिमन्यु के जो एजेंट थे वो एक घंटे में उल्टे चले गए, कोई रोकने वाला को नहीं, और पोलिंग 63%। फिर आपने कोई नहीं कार्यकर्ता है, इनमें उत्साह है। क्या उत्साह? 8,000 तो वोट आ रहे कांग्रेस के। नारनौंद में बैठे हूँ मैं, नारनौंद की बात करा तो पीछे 8,000 वोट आ रहे हैं, जिसमें 4,000 तो उसे काम के हैं। कोई इतना बड़ा काम है, उसका कैंडिडेट था, 11,000 वोट आ रहे हैं कांग्रेस का। और कुछ नहीं, ये तो बिगाड़नी घोड़ी में सवार हो गए, जीत गए। पूरा 85,000 वोट हैं, 85,000 जो कांग्रेस का पड़ रहे हैं, उन्होंने तो 55,000 तो लोग दिलगाए वोट से। 10,000 ही कैप्टन साहब के खिसक गए, खिसका दिए खिसक गए, वो भी उनमें भी भुगतना पड़ेगा इब। और 10,000 खिसक गए जो वर्तमान में भाई MLA है गौतम साहब के, ये तो मिलजुल के 85,000 हो। 85,000 में इनका तो 10,000 तो फालतू वोट को नहीं। आपने कहा कि 55,000 इनेलो के थे, आपके लोग आपको ही छोड़ के चले गए और बात करते हैं बड़ी बड़ी। नए सिरे में मारे चले गए, मैंने साथ में कैप्टन साहब का भी नाम लिया है, मैंने मुख्यमंत्री का भी नाम लिया है। लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है वो पार्टी लाइन से ऊपर उठ के लड़ी है। यही इनेलो की बात नहीं है, इनेलो के 55,000 तो रसीद हैं। आपके गौतम साहब का पड़ रहे, किसके वोट पड़ रहे हैं? 72,000 गणत आएगी। पहले हमेशा सरोज मोर जी लड़े, राज सिंह मोर जी लड़े, हमारे 50-55 से कम कभी वोट ही नहीं आए। उमेश जी, एक बात और बताइए, कैप्टन अभिमन्यु कहते हैं कि मैंने जी जान लगाई है बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने के लिए, रणजीत सिंह चौटाला को जिताने के लिए, तो क्या लगता है उसके बावजूद भी 45,000 की लीड होना किस तरह से देखते हैं आप? जी जान लाई है नहीं, एक एक बच्चा बच्चा ने नारों दल कर बेरा है। जो लोग उनका मोर्चा संभालने का काम करते थे वो सारे कांग्रेस पार्टी का झंडा ठाए हुए थे, अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। जो कैप्टन साहब के आदमी थे पूरे हल्के में, वो कांग्रेस के वर्कर से भी ज़्यादा काम कर रहे थे। पता नहीं वो उनके कहने से कर रहे थे या फिर मन ने जो बात बताई वह किसी की मानना ही कौन थे, या भी उसके बाद। जी, वहीं अगर हम दादा गौतम की बात करें तो उन्होंने भी साफ ऐलान किया था कि देश हित में वोट करें। लगातार 20-25 मिनट तक उन्होंने बीजेपी के कसीदे पढ़े और उसके बाद अंत में कहा कि देश हित में वोट करें, मैं किसी को कहीं पर वोट डालने के लिए नहीं कहता। एक भी ना लेट हो गए गौतम साहब। 3 दिन पहले वहाँ बोल ले, जब लगे जो उनका वोट था वो न्यूने लायक लिया था, जो उनका अलग किसान थे वो सारे कांग्रेस गलत चले गए। आप एक एक आदमी का गुआंड में पूरा गांव में पता करोगे, एक बार जो वोटर चढ़ जेकड़ियाँ तो फिर उसको वापस लेना नेता का बस का भी कुछ रहता। वो बोले जरूर, लेकिन बोलने का असर कोई वोट पर होया को नहीं। जी, असर नहीं हुआ। वहीं अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो आप लोगों के ऊपर एक आरोप लग रहा है कि इनेलो वोट कटवा है, वहाँ पे
कांग्रेस पार्टी का कहें या गठबंधन सरकार का कहें या आम आदमी पार्टी का कहें, सुशील गुप्ता जीत जाते अगर वहां पर अभय चौटाला चुनाव नहीं लड़ते तो। पहला तो आपने बताया दो कि आप पार्टी पुरानी है कि इनेलो पुरानी है। हम वोट काट हुए कुकर हो गए, हमारी तो बहुत पुरानी पार्टी से, कोई नया इलेक्शन को नहीं, नया सूट शिमाए को नहीं। अरे भाई बे आए हो, हम तो कदे तो लड़ते आए हैं। चौधरी देवलाल ने पार्टी बनाई है, ये तो न्यू सोचो ये घर बैठ जाए या पार्टी खत्म हो जाए, क्षेत्रीय दल खत्म हो गया, नहीं तो न्यू सोच लो प्रदेश का किसान खत्म हो गया, मजदूर खत्म हो गया। जड़ा जड़ा क्षेत्रीय दल है, उड़े डाटी है भाजपा, यूपी देख लो कांग्रेस का क्या था, अखिलेश ने डाटी जी, बंगाल में क्या था इनका कांग्रेस का, एक सीट हारी है, ममता ने डाटी, तमिलनाडु इतना बड़ा स्टेट है कुछ नींद पे, स्टालिन ने डाटी, कहीं लालू ने डाटी, कड़िया पवार ने, उद्धव ठाकरे ने डाटी। तो क्षेत्रीय दल दुर्भाग्य से आज कमजोर हो गए, ये मैं मानू हूँ बात, ये प्रदेश का भी दुर्भाग्य है और हमारी पार्टी है तुम्हारा भी है, कि वजह चाहे वो पार्टी में विभाजन की रही हो, उससे वोटरों में निराशाने की बात हुई हो। क्षेत्रीय दल को खत्म करना बीजेपी से भी ज़्यादा कोई साजिश है तो इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की है। वो चाहते हैं कि यहाँ कोई लोकदल नाम का जो भी लेने वाला है वो वोटर निराशा में चला जाए और वो छोड़ के कांग्रेस ही पैंदे बैठ जाएगी, ये बात है जी। उमेश जी, वहीं अगर हम बात करें आने वाले विधानसभा चुनाव में, आपकी पार्टी के पास एक ही विधायक था अभय सिंह चौटाला की, अगर हम बात करें वो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, उनको कम वोट मिलते हैं और सिरसा से जो उनकी पार्टी का उम्मीदवार है उसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? क्या अभय सिंह चौटाला जनता को ये बताने में नाकामयाब हुए कि मैंने किसानों के लिए बहुत अच्छा किया है, प्रदेश के लिए मैंने त्याग भी दिया है, क्या लगता है कहाँ कमी रही? जो सिरसा की बात है वो उनका खुद का एरिया है जिसका लाभ प्रत्याशी को मिला। कुरुक्षेत्र में जाके लड़ना आज इस परिस्थिति में भी मैं तो बहुत मजबूत नेता मानता हूँ उनको कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई में वो कूदे, जहाँ को उनका गांव नहीं, गुआड़ नहीं, हल्का नहीं, जिला नहीं, कुछ भी नहीं, ओड़ा जाके लड़े। चलो ये तो जनता की मर्जी है, किसानों की मर्जी है, उन्होंने तो समझाने की बहुत कोशिश करी और समझाने की क्या बात थी, सीधी अनदिखे थी भाई, जब जब भी किसान पर कौम को कोई बात आई है उन तो ज़्यादा लड़ाई तो किसी ने नहीं लड़ी, हमारी भी कमी मानना है और भाई जो समझ नहीं पाए उनकी भी कमी मानना जी। वहीं अगर हम बात करें जेजेपी की तो उनकी तरफ से भी दावा किया गया था कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्या लगता है आने वाले समय में जेजेपी आगे निकलेगी या फिर इनेलो आगे निकलेगी? आप बच्चे बच्चे पर किस बात का जवाब मांगोगे तो आपको यही देगा कि अभी इतने जो पुराने लोग होया करते, जब ना कोई फोटो उतरिया करते, ना फिल्म बनिया करती, ना सोशल मीडिया था, आज तो जो जो बात हैं रिकॉर्ड में आपका तो रोई भी पाई जाएंगी, जो लाठी बरसें थी जब न्यू कहते कानून तो उल्टे नहीं हो सकते, ये न्यू भी कहते भैया तो बीमारी है किसान, ये सारी चीज़ें लोगों के चित्त से दिमाग तक इतनी जल्दी उतरे को नहीं, जल्दी जितनी जल्दी हैं सोच रहे हैं, ये नहीं उतरेंगे तो मजबूती कड़त आओगी। आज कम से कम इंडियन नेशनल लोकदल के वोट कम आएंगे, मानना आएगे कम, लेकिन हम छाती चौड़ी करके तो गम गए हैं वोट मांगने, हमारा नेता में इतना दम, इतना हौसला, इतनी ताकत और इतनी इज्जत है लोगों में कि हम खुले दिल से गए हैं। सारी पार्टियां तो ज़्यादा इज्जत लोगों ने करी है और नेता को भी तारीफ करने का काम किया है, ये तारीफ वोट में बदलेगी तो फिर नई बयार इस प्रदेश में बैठने का काम करेगी जी। वहीं अगर हम बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो वो काफ़ी उत्साहित है कि उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के ग्राफ को बढ़ा दिया, वोट परसेंटेज को भी बढ़ा दिया। जिस नेता की पार्टी जीतती है उसका उत्साहित होना तो एक आम बात है, स्वाभाविक होना चाहिए, उनकी जगह कोई और होता तो भी और जी। लेकिन फिर आप मन्यू बताओ अगर उन्हें की वजह है कोई बात है तो सिरसा में तो नहीं गए, सिरसा में नॉमिनेशन पर नहीं गए, कोई जलसा करने नहीं गए, और जहाँ तक कांग्रेस के लोग बतावे हैं अगर जो आदमी उड़े हुड्डा साहब के थे उन्होंने भी मदद को नहीं करी, फिर वह 2.5 लाख तक शैलजा कुकर जीत गई, तो इस तरह तो बात सीधा हुआ है कि लोग भाजपा को हराना चाहते थे। शैलजा आज जिस तरह लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर हुड्डा साहब के सामने, और तो कोई लड़ नहीं रहा, जब हुड्डा साहब की मानना तो सबसे पहला शैलजा ना रहा, वह शैलजा 3 लाख तरह जिताई है, तो ये सीधा सिंबल है, इसमें किसी का नेता का योगदान नहीं, किसी पार्टी का योगदान नहीं, यार लोगों ने लड़ाई लड़ी है भाई जी। उमेश जी एक बात और, पूरा हरियाणा जानना चाहता है, एक तरफ तो कहते हैं कि बीजेपी के विरोध की लहर थी हरियाणा में इस 2024 के लोकसभा चुनाव में,
वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत जाते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है वहाँ की जनता खट्टर के कामों को तवज्जो दे रही थी, उनके मेरिट के आधार पर नौकरियों को तवज्जो दे रही थी, उनकी 36 बिरादरी के साथ लेने की जो बात उनके द्वारा कही जाती थी उसको तवज्जो दे रही थी। आपकी नज़र में मनोहरलाल खट्टर को जो इतने वोट मिले हैं उसके पीछे क्या कारण है? आपने डंगोसराय खेती सुनी है? डंगोसराय खेती कर लेंगे, अगर वो उसका बुड़त मांग लेता है, वो बुड़त मांग लेता और आटा साटा ब्याह सुनिया वो अक वो उसको दे दे, छोरी रो उसको दे दे और धनुआ काम चल जाए। या तो आटा साटा ही खेती, डंगोसराय का ब्याह था भाई, उसने तो उसकी मर्जी का दे दिया रोहतक उम्मीदवार जैसे हुड्डा साहब का अरविंद शर्मा, और इन इनकी मर्जी का दे दिया जो कमज़ोर था कमज़ोर था। नहीं तो आप जिस तरह बात थी वीरेंद्र मराठा की थी, बुल्ले शाह की थी, इस तरह के उम्मीदवार होते तो यू 2 लाख तो आ रहे, और यू आटा साटा ही खेती कई जगह हुई है हरियाणा में, उरो उरो को नहीं हुई। ये तो 10 की 10 सीट आनी थी, 5 खोई हैं तो ये भाजपा तो मिल के कांग्रेस पार्टी ने खोई हैं, लोगों वोट को नहीं, लोग तो 10 की 10 जिताओ। अभी हरियाणा में तमाम नेता ये कयास लगा रहे हैं कि हरियाणा की बीजेपी सरकार अल्पमत में है, ऐसे में सरकार गिराने की बात चल रही है। इनेलो पार्टी, अब अगर विपक्ष की बात आती है तो इनेलो पार्टी कहाँ वोट देगी? क्या बीजेपी के पक्ष में देगी? एक ही वोट हालांकि वो इनेलो बीजेपी के पक्ष में देगी या फिर विरोध में देंगी? मारा वोट तो तैयार है, को गेड़निया तो वो खागड़ है, इसने तो गेड़निया है, वो नाटा है, मैं को नहीं गेड़ता। सरकार पढ़ने तैयार है, MLA गिड़ने तैयार है, जजपाले भी तैयार बैठे हैं, आज़ाद भी तैयार बैठे हैं, गिड़ता क्या को नहीं, उस पर पूछो ना बात क्यों नहीं की। जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो गेड़ के हरमोनियों का हम गेड़ दे को नहीं, कोई लाभ नहीं है। अरे जब सरकार बन लाग रही और क्या क्या कहते हैं, अपनी नीति लागू करो, सरकार को गेड़ो। एक बात और उमेश जी, अब आप जनता को मोटिवेट कैसे करेंगे, क्योंकि 3-4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव आने वाला है और अभी से पहले तमाम कार्यकर्ताओं की बात करें, नेताओं की बात करें, पार्टियों की बात करें, उन्होंने अपनी अपनी प्लानिंग तैयार कर ली है, रणनीति बना ली है, इनेलो की क्या रणनीति रहेगी? हम तो अपने जो वोटर हैं और हमारे जो वर्कर हैं, जजपा में चले गए थे, चाएँ बाएँ चले गए थे, उन्होंने कहा भाई तो सर्कल कबड्डी का मैच था, सर्कल कबड्डी बढ़नी कबड्डी कह दें बस ठीक है, इसमें तो हमने न्यू माना सर्कल कबड्डी में प्लेयर और दूसरे हैं, आप कौन इसमें, तो आपने दूसरे प्लेयर की सपोर्ट कर दी। ई भाई छोटी कबड्डी, छोटी कबड्डी में सब तो बड़ा खिलाड़ी है बेचोटाला, और सारे इसका गला लायक जो और पुरानी पार्टी ने मजबूत कर लियो, अपने घर में अपनी इज्जत है, हम लड़ाई लड़ांगे तो किसान भी मजबूत होगा, मजदूर तबका वो भी मजबूत होगा जी। वहीं अगर हम बात करें चुनाव लड़ने की, तो उम्मेद लोहान विधानसभा का चुनाव कहाँ से लड़ने जा रहे हैं, क्या ये मोहर बिंदास हरियाणा पर लगा दें कि अगला चुनाव उम्मेद लोहान नारोन से लड़ने जा रहे हैं? मेरा हल्का कौन सा है? नारोन। तो फिर पार्टी लड़ाओगी तो उरे तो लड़ूंगा, पहले कोई कारण रहे होंगे मैंने दाएं बाएं लड़ना पड़ा, मेरा मन तो हमेशा नारोन से लड़ने का रहा है। एक बात और, इस चुनाव में उमेश जी एक और बात देखने को मिली है, कहीं कहीं पे कांटा निकालने की बात देखने को मिली, तो आपको क्या लगता है वो तमाम जो कांटे हैं वो आने वाले चुनाव में भी निकाले जाएंगे? ये तो दस दूर है राजनीति का, जो दिन में राजनीति है वो रात ने को नहीं होती, और रात ने राजनीति का इस वोटर ने वर्कर ने बेरा पटे नहीं रात वाली का, तो बूथ पर ना कोई एजेंट बने ना कोई लड़ाई लड़े, ये कांटे निकालने वाला तो जो काम है नहीं सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी करे। तो अंतिम प्रश्न उमेश जी, आप किस प्रकार से अपना प्रचार शुरू करने जा रहे हैं? ये प्रचार है जो आप अगले बात करने लग रहा, मेरा तो गांव गुआंढ रिश्तेदारी सब और आसपास के एरिया में है, पार्टी के प्रचार में पहले भी लगे हुए थे, चुनाव है तो और ज़्यादा जोर तो लगाएंगे। तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें आप लाने की कोशिश करेंगे? सरकार का अहम हिस्सा बढ़ने जा रही इंडियन नेशनल लोकदल, आप यमुनानगर से शुरू कर दो, वहाँ भारती जी का हल्का है, फिर दिलबाग जी का है, फिर श्याम सिंह राणा जी का है, फिर शेर सिंह बड़श्यामी जी का है, फिर अम्पल माजरा जी का है, फिर आप जींद में जाओगे, हमारी कोशिश रहोगी उछाणा से अभय सिंह चौटाला लड़ें, फिर आपका रतिया आ जाएगा, फतेह सिरसा जिला जो होम जिला है वो आ जाएगा, तो इस तरह करके काफ़ी सीटें हमें उम्मीद है हम जीतेंगे।
उचाना से तो दुष्यंत चौटाला है, वहाँ से तो आप लोगों की समस्या और बढ़ सकती है। जब धर्म अधर्म की लड़ाई लड़ी जावे है नी, दुष्यंत चौटाला की बात नहीं है, हमने अपनी पार्टी को मजबूत करना है और जींद जिला हमेशा से चोई देवलाल की पार्टी से जुड़ा हुआ है। आज कोई एकमात्र वारिस है उनकी राजनीति का चोई देवलाल की का तो अभय सिंह चौटाला है, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो स्वास्थ्य कारणों से भाग नहीं ले पा रहे। जी बिल्कुल, ये थे इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेश सिंह लोहान, जिन्होंने आने वाले चुनाव का रोडमैप बताया और साथ ही साथ पार्टी किस प्रकार से जनता को अपने साथ लेकर चुनाव लड़ने वाली है इसके बारे में भी इन्होंने खुलासा किया। इससे भी एक कदम आगे इन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में इनेलो की बहुत बड़ी भूमिका होगी, वो सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और साथ ही साथ अभय सिंह चौटाला उचाना से चुनाव लड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बयान इनकी तरफ से दिया गया है और अब देखना ये होगा कि क्या दुष्यंत चौटाला भी वहीं से चुनाव लड़ेंगे। और हालांकि बीजेपी को छोड़कर अब चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार कांग्रेस में आ चुका है, कहीं ना कहीं उनकी भी समस्या आने वाले इस फैसले से बढ़ सकती है। अब किसको कितना फायदा होगा ये तो चुनाव के दौरान ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास रैना।